हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्टली पढ़े। पिछले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था क्लास 11th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। उसमें से मैंने आपको बताया था लिविंग वर्ल्ड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। आज मैं आपको उस कैरेक्टरिस्टिक को लर्न करने की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी और कुछ आगे के भी टॉपिक्स कवर करूंगी विद सम शॉर्ट ट्रिक्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ये शॉर्ट ट्रिक है आपके लिए कि आप कैसे लिविंग बींग के कैरेक्टरिस्टिक को कंसीडर करोगे या फिर उसको पहचानोगे। मिस्टर जैन, एम से है मूवमेंट, आर से है रेस्पिरेशन, एस से है सेंसेशन, जी से है ग्रोथ, ई से है एक्सक्रीशन, एन से है न्यूट्रिशन। ये लिविंग बींग्स के या लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको हेल्प करेगी किसी भी लिविंग थिंग को पहचानने में। मेनली ये कंसीडर किए जाते हैं। देन उसके आगे के हम टॉपिक्स कुछ कवर करेंगे एनसीईआरटी के जो रह गए थे पिछले लेक्चर में। ये एनसीईआरटी का टॉपिक है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इसी को रिलेट करके मैंने बायोडाइवर्सिटी टॉपिक बनाया है। ये दोनों सेम ही है। आप सोच रहे हो कि अलग है, नहीं, ये दोनों सेम है। बायो मीन्स होता है लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब होता है फॉर्म्स या वेराइटी लिविंग थिंग्स की। तो सेम इसी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। डाइवर्सिटी मतलब कि वैरायटी, लिविंग वर्ल्ड मतलब लिविंग वर्ल्ड में जितने भी लिविंग बींग्स रह रहे हैं, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू IUCN 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार। अभी तक 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर्ड किए गए हैं, जिसमें से 1.25 मिलियन एनिमल्स है और 0.55 मिलियन प्लांट्स है। और एनिमल्स में भी इंसेक्ट मैक्सिमम है। और आपने 9th में पढ़ा होगा अर्थ्रोपोडा जो लार्जेस्ट किंगडम था जिसमें इंसेक्ट मोस्टली आते थे। और प्लांट्स में मैक्सिमम क्या आते हैं, एंजियोस्पर्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ओके, एवरी ईयर 15,000 न्यू स्पीसीज आर एडेड टू द लिस्ट। हर साल 15,000 न्यू स्पीसीज ऐड करते हैं हम लिविंग बींग्स के स्पीसीज में। ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, अगर आप चाहो तो लर्न कर सकते हो। और कॉमन नेम को हम बोलते हैं वर्निकुलर नेम। कॉमन नेम किसके लिए, किसी स्पीसीज के लिए, किसी लिविंग बींग के लिए। देन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर रिफर्स टू किसी भी स्पीसीज का हम दो कॉम्पोनेंट्स में उनको नाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और उसके दो कॉम्पोनेंट्स है जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। जेनरिक नेम में हमारा जीनस आता है, स्पेसिफिक एपिथेट में हमारा स्पीसीज आता है। ये हम साइंटिफिक नेम वर्ल्ड नोन के लिए देते हैं, दो कॉम्पोनेंट स्पीसीज और जीनस। द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कॉम्पोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जैसा मैंने आपको बताया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वो सिस्टम है जिससे हम दो नेम देते हैं किसी स्पीसीज को वर्ल्ड नोन के लिए। और ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का फादर था कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। अब इस नेम को लिखने के रूल्स क्या क्या हैं ये आपने पहले भी पढ़े होंगे, मैं आपको क्वाइट रिविजन देती हूँ इसका। बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। दे आर लैटिनाइज्ड और डराइव्ड फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। ये लैटिन वर्ड्स से डिस्क्राइब होती हैं जनरली, क्योंकि इस वर्ड को हमने क्यों लैंग्वेज को क्यों लिया है, इस लैंग्वेज को, लैटिन लैंग्वेज को, क्योंकि ये ज़्यादा यूज नहीं होता, इसमें कोई भी चेंजेस ईजिली कर नहीं सकता जैसे हम नॉर्मली लैंग्वेज में कर देते हैं। इसलिए लैटिन लैंग्वेज को हमने लिया है साइंटिफिक नेम के लिए। और जब हम इसे लिखते हैं तो इसे इटैलिक्स लिखते हैं, और जब हम इसे लिखते हैं कॉपीज में तो इसको अंडरलाइन करते हैं सेपरेटली। ओके, एक्चुअली मेरे नोट्स में भी सेम एनसीईआरटी के टॉपिक ही मैंने लिए हैं, बस कुछ एक्स्ट्रा डाले हैं इसलिए मैं अपने नोट्स में से पढ़ा रही हूँ। अभी मैं आपको इसमें से बताती हूँ। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। जैसा मैंने आपको बताया था पहला जीनस होता है और सेकेंड कॉम्पोनेंट डिनोट करता है स्पेसिफिक एपिथेट को। और बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम
व्हेन हैंड रिटन आर, जब हम हैंड रिटन से लिखेंगे तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, जब प्रिंट करेंगे तो इटैलिक्स में करेंगे। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, विद द स्पीसीज एपिथेट स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर। ठीक है, इसमें बोले जो जीनस का जो पहला वर्ड है वो कैपिटल होगा और जो स्पेसिफिक का है वो स्मॉल में होगा। उसका एग्जाम्पल दिया है, ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। ये साइंटिफिक कोड्स है जो साइंटिस्ट ने दिए थे बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया, जिससे हम उसको पूरे वर्ल्ड में एक नाम से जान सके। पहला है ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, इसमें प्लांट आता है, बोटानिकल मीन्स प्लांट। और ICN, इंटरनेशनल कोड ऑफ नेम फॉर एल्गी फंजाई एंड प्लांट, ये आपका NCERT में नहीं दे रखा, NCERT में आपका ये दिया है। ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जूलॉजिकल मतलब ये एनिमल के लिए है, ये आपका NCERT में दे रखा है। ICNB, इंटरनेशनल कोड फॉर मूविंग नेमिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को नेम देने के लिए ये कोड है, ये भी आपका NCERT में नहीं है, लेकिन ये नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, नहीं तो NCERT में तो बस दो ही दिए हैं। ICVN, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर, वायरस के लिए होता है ये, और इंटरनेशनल कमिटी फॉर टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस। एंड देन ICNCP, इंटरनेशनल कोड फॉर नेमिंग फॉर कल्टिवेटेड प्लांट, ये नीट के लिए है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस आप ICBN और ICZN ही लर्न कीजिए। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये सारे भी लर्न कीजिए क्योंकि नीट में ये आते हैं। ये आपका NCERT में दे रखा है, कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर। कैरेक्टराइजेशन इस ये नोमेनक्लेचर की एक टेक्निक है जो नोमेनक्लेचर से पहले होती है, कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टराइजेशन। हम पहले किसी भी स्पीसीज का जो हमें पता नहीं है किसी स्पीसीज का, पहले हम उसके कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करते हैं, ओके, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करने के लिए कि किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे कि हम हैं और कोई डॉग है, तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक और डॉग के कैरेक्टरिस्टिक को हम पहले ऑब्जर्व करेंगे, फिर दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन में हम उसे क्लासिफाई करेंगे कन्वीनियंट कैटेगरी में उनके कैरेक्टरिस्टिक के जो हमें इजीली दिख रहे थे, कि हमने एनिमल को कर दिया, जैसे हमने ह्यूमन को कर दिया अपने आप को कि ये ह्यूमन है और ये डॉग है, ये एंड डॉग में आता है वैसे, फिर उसको हमने नेम दिया जो हमने नोमेनक्लेचर के रूल में पढ़ा था उस बेसिस पे। फिर आती है टैक्सोनॉमी हायरार्की कैटेगरीज, ये सारी किंगडम फाइलम डिवीजन क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज। इसको याद करने के लिए मैं आपको एक अच्छी सी टेक्निक बताती हूँ या ट्रिक जो आप इजीली लर्न कर लो। ये रही आपकी लर्न करने के लिए ट्रिक, किंगडम को हम किंग से करेंगे, फाइलम को पी से, क्लास को सी से, ऑर्डर को ओ से, फैमिली को फंगस के एफ से, और फंगस के जी को हम जीनस से डिनोट करेंगे, और इसके एस को हम स्पीसीज से, किंग पीसीओ फंगस। ये इजी है आपके लर्न करने के लिए और इजीली रिमेम्बर भी हो जाएगी, किंग पीसीओ फंगस, किंग डीसीओ फंगस, डिवीजन के लिए ये। उसके बाद हम आते हैं टैक्सोनॉमी कैटेगरी के बारे में। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि बॉटम से टॉप जाएंगे तो उनके कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज होंगे इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीज होगी इंक्रीज होंगी, तो मैं आपके सारे डाउट अभी क्लियर करने वाली हूँ। किंगडम से मतलब टॉप टू बॉटम हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज होते हैं और बॉटम टू टॉप वो डिक्रीज होते हैं, कैसे, और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म टॉप टू बॉटम डिक्रीज होते हैं क्योंकि यहाँ पे सिंगल प्लांट है, उसको हमने क्लासीफाई करते करते नंबर ऑफ जो स्पीसीज में आए वो स्पीसीज कम हो गए, क्योंकि
ये सारी चीजें ये किंगडम में इंक्लूड हो रही थी, बाद में डिवाइड करते करते नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सेपरेट हो गए, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इसमें कम होंगे रेदर देन किंगडम। सॉरी मैंने ये टॉपिक थोड़ा स्किप कर दिया था। जो जो साइंटिस्ट ने यहाँ पे रोल प्ले किया है उसके बारे में एनसीईआरटी में भी थोड़ा दे रखा है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर, प्रपोजल कॉस्पर बुहीन बुक, पिनॉक्स बुक गिवन इन 1623, और प्रिंसिपल किसने दिया था, कार्लस लीनियस ने। बुक का नाम फिलोसफिया था 1751 में। ठीक है, फर्स्ट यूजेज ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, फर्स्ट यूज किसने किया था बायनोमियल नोमेनक्लेचर का, कार्लस लीनियस ने, क्योंकि यही फादर था बायनोमियल नोमेनक्लेचर का, इसी ने डिस्कवर किया था। और बुक कौन सी लिखी थी, स्पीसीज प्लांट्रम, इन दिस बुक 59 प्लांट स्पीसीज थे, 59 प्लांट के स्पीसीज थे, और कौन से 1753 में, और फर्स्ट वैलिड पब्लिकेशन फॉर प्लांट, ये प्लांट के लिए थी। और इसका सेकेंड यूज किसने किसमें हुआ, सिस्टिमा नेचुरल में, और 4326 एनिमल स्पीसीज थे इसमें। कब हुआ था, 1758 में, फर्स्ट वैलिड पब्लिकेशन फॉर एनिमल, ये प्लांट के लिए था, ये एनिमल के लिए था। तो रिमेंबर दैट डिफरेंस अलग है दोनों में। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर इज गिवन बाय लैमार्क, डिस्क्राइब अबाउट सब किंगडम, इसने सब किंगडम के बारे में डिफाइन किया था। इसकी हमने किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर ये सारे हमने पढ़े थे, उसके अंदर भी सब किंगडम होते हैं, उसको हम बोलते हैं उसकी स्टडी करने को हम बोलते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसने किसने दिया था, लैमार्क ने। अब हम इन टैक्सोनॉमी कैटेगरी की डीप स्टडी थोड़ी करने वाले हैं, सो फोकस्ड। आई नो वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है, बट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिनिश कर दूंगी ये चैप्टर आपका ये। सो लेट्स फोकस। स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स विच आर एबल टू ब्रीड अमॉन्ग देमसेल्फ एंड प्रोड्यूस देयर ओन काइंड इन मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो, सोलनम, ट्यूबरोसम, पोटैटो, पैंथरा, लियो, इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट, वाइल द फर्स्ट वर्ड मैंजीफेरा, सोलनम, पैंथरा आर जेनरा एंड रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सोन कैटेगरी। इसमें जो मैंजीफेरा, सोलनम और पैंथरा है वो जीनस है, और ये जो इसके पीछे के है वो स्पीसीज है। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट कैटेगरी होती है टैक्सोनॉमी की। इसके आगे जीनस लगा है, इट मींस इसके आगे जो लगेगा वो इससे बड़ा होगा जीनस से, और जीनस के पीछे स्पीसीज है, तो स्पीसीज सबसे छोटा है। ठीक है, मतलब सबसे कम कैरेक्टरिस्टिक, सबसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक होंगे इसके पास। देन जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। जेनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल आर थ्री डिफरेंट स्पीसीज बट ऑल बिलोंग टू द जीनस। ओके, इसमें बोलना क्या चाह रहा है, स्पीसीज के पास कम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कंपेयर विद जीनस, जीनस के पास ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं स्पीसीज से, और देन फैमिली के पास इससे, इन दोनों से कम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फैमिली के अंदर। और फैमिली में हमने किस बेसिस पर डिवाइड किया, इसके वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज के बेसिस पे हमने फैमिली को कैरेक्टराइज किया है। देन हमने ऑर्डर को फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे इसको कैरेक्टराइज किया है, और जो प्लांट के फैमिलीज है वो ये रहे, कॉन्वलेशिया, सोलेनेशिया, इंक्लूडेड इन द ऑर्डर ऑफ पॉलीमेनल्स। और एनिमल के हमने कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फेलिडिया और कैनिडिया। क्लास में हमारे ये कैटेगरी, इसके कैटेगरी ऑर्डर से रिलेट करते हैं। इसमें द ऑर्डर प्रिमेटा कंप्राइजिंग मनी, मंकी, गोरिल्ला एंड
गिबन्स इज प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया अलोंग विद ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक टाइगर कैट डॉग। मैमेलिया में हमारे डाले मंकी गोरिल्ला और गिबन। फाइलम को हमने नोटोकॉर्ड और डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम के बेसिस पे इसको कैरेक्टराइज किया है। इसमें मेनली प्लांट आते हैं। एंड देन किंगडम हायर टैक्सोनॉमी कैटेगरी इट इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिज्म दैट शेयर अ सेट डिस्टिंग्विशन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। प्लांट्स आर पुट इन प्लांट किंगडम वाइल एनिमल आर इंक्लूड इन एनिमल किंगडम। जो प्लांट है उसको प्लांट किंगडम में डाला, जो एनिमल है उसको एनिमल किंगडम में डाला। जितने भी हमने ये ऊपर पढ़े इन सबको हम किंगडम में डालते हैं, इसीलिए इसके अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसा मैंने आपको अभी पहले बोला था। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये एक चैप्टर कंप्लीट कर दूंगी। सो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो आपको जब मैं पोस्ट करूँ तब आपको इजीली मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।